लगातार भीषण गर्मी की वजह से बिजली के तार व इलेक्ट्रॉनिक सामानों में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। दरअसल मामला थाना सासनी गेट के अंतर्गत फूल चौराहे का है, जहां प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी के प्रतिष्ठान में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं प्रतिष्ठान के मालिक सुमित गोयल का कहना है कि अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। आग से दुकान में रखा पैकिंग का सामान जलकर खाक हो गया। चौराहे के पास एक दुकान में आग है, तो आगे पता लगा कुंजीलाल दालसे वाले हैं, इनकी दुकान में आग थी। फर्स्ट फ्लोर पे आग थी। इसमें गत्ते के जो डब्बे होते हैं वो रखे हुए थे, प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था। उसी के बराबर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान जैसे सर्वर कुछ रखा हुआ था इस तरह का, तो उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। सर्किट से जो डब्बे थे गत्ते के, उसमें आग लगी। तुरंत हमारी टीम ने आगे तुरंत ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पर जाके उसको आग को बुझा लिया। इनके द्वारा भी अपने एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाने की कोशिश की गई आग, वो नहीं बुझी उस टाइम पे। तो जब फायर सर्विस आ गई यहाँ पे तो तुरंत आग को बुझा दिया गया।